अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग मस्ती विद एसटी में। आज हम बना रहे हैं दाल गोश। देखिए, हमने दाल भिगो लिए थे एक कप भर के बड़ा। ये कप है, इतना बड़ा कप भर के हमने दाल ले लिए, उसे भिगो लिए 1 घंटा। और इसे गोश्त तो खास करके हमने अच्छे से धो लिए और चिकने वाला गोश्त लिए, ज़्यादा चिकना दालचे के लिए। चलो आप बता बनाना दिखाते फटाफट। देखिए, ले लिए हमने, इसमें 2 कप पानी डालेंगे। पानी डाल दिए हमने, अभी भिगोई हुई दाल ऐड कर देंगे। और दाल भिगोने से दाल जल्दी से गल जाती है। अब इसी के अंदर 1 चम्मच हल्दी ऐड कर देंगे, इसे गला लेंगे हम दाल को और ऐड कर लेंगे तेल से, दाल जल्दी से गल जाती है। अच्छा, चलिए अब इसे ढक्कन लगा देते, इसे कवर करके रख देते। देखिए, अब हमारी दाल गल गई। अब ये कुकर में, हम ज़रा बड़ा कुकर है, इसमें थोड़ा सा गोश्त डाल देंगे। गोश्त डाला लेंगे अच्छे से, और अदरक लहसुन 1 चम्मच, हैदराबादी हमारा दालचा है स्पेशल। देखिए, हल्दी 1 चम्मच, अब थोड़ा सा पानी डालना है गोश्त गलने के लिए। मैं 1 कप पानी डाल दूंगी और 3-4 सीटियाँ में हमारा गोश्त गल देगा। अब ढक्कन लगा के इसे गलने के लिए हम रख देंगे और थोड़े तैयारी करेंगे। गोश्त गलने के लिए हमने रख दिए। अब ये कड़ी पत्ता है, ये हरा धनिया है और पुदीना है, और ये छोटी सी हमने लौकी ले लिए। 2 टमाटर है, इसे बारीक चॉप कर लूँगी मैं, ये आप लोगों को मैं सब दिखा रही। और ये हरी मिर्ची है, अब हरी मिर्ची को मैं थोड़ा सा, ये कोथमीर के हरे धनिया के डंठल है, ये कोथमीर के डंठल ले लिए, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता। और मैं इसी के अंदर 8 से 10 हरी मिर्ची ऐड कर लूँगी। ये लहसुन की 8-10 कलियाँ हैं और इसे भी डाल दिए हमने। और थोड़ा सा उसी के अंदर मैं नमक ऐड करूँगी और इसे कूट लेना है। अब गोश्त गलने तक हम टमाटे चॉप करेंगे और इसे अच्छे तरीके से बारीक कूट लेंगे। देखिए, हैदराबाद का स्पेशल दालचा है। मेरे रेसिपी को लास्ट तक देखिए, मज़ेदार। चलो, ये गोश्त गल गया हमारा। अब इसी के अंदर हम तेल डालेंगे और इसमें तेल ज़्यादा लगता, ये पड़ गया तेल इसके अंदर। ये हरी मिर्ची का पेस्ट, हमने हरी मिर्ची पीसे थे, इसी का पेस्ट है। ये टमाटर चॉप कर आले हैं 2, मिर्ची पाउडर 2 चम्मच, दालचा एकदम चटपटा और तीखा होना चाहिए, फीका नहीं होना। दाल हरी मिर्ची भी अंदर डाले और लाल मिर्ची भी डाले, दोनों भी इस्तेमाल करें। अब इसी के अंदर ये कद्दू है, इसे डाल देंगे और थोड़ा भून लेना है अच्छे से। चलिए, हमने अब इसको अच्छे से भून लिए कद्दू और दाल के, इसका कच्चापन पूरा ख़त्म हो गया। अब देखिए, इसी तरीके से आप भी इसी तरह बनाइए दालचा। अब थोड़ा सा मैं अंदर पानी ऐड करूँगी ये कद्दू गलने के लिए, और इसे 2 सीटी दे दूँगी, इसे कवर कर लेना है। अब इसे 2 सीटी होने देने का। चलो, उसके हम दाल को घोटा लगा देंगे। ये देखिए, ये दाल है, इसी को मैं एकदम मोटे चने की दाल है, इसे अच्छी गला। और ये दाल चाहे तो दाल को मोटी मोटी घोटनी की है, ज़्यादा बारीक नहीं घोटना है ना। देख रहे ना आप लोग, इसी तरह से बनाते आप भी। अगर नहीं बनाते हैं तो बनाइए। थोड़ा सा पानी डालूँगी मैं। चलिए, हम चल देखते हैं अब कद्दू गले के हमारे दाल के। और ये ढक्कन निकाल दिए हमने, इससे देख लेना है। और हमारे कद्दू अच्छे से गल गए, इसलिए हमने बड़ा कुकर लिए थे, इसमें कद्दू दाल उबालेंगे। देखिए, कद्दू गल गए। अब हम आराम से ये इमली का पल्प निकाले थे, इसी के अंदर ये ऐड कर लेना है और इसे थोड़ा पकने देना है।
दाल घोटी भी है, और ये दाल मैंने मोटी मोटी घोट ली, और हैदराबाद का ज़बरदस्त मज़ेदार दाल चाय ये सब दाल इसी के अंदर ऐड कर लेंगे। अब इसी के अंदर मैं थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूँगी, शाजीरा लौंग इलायची पे हमने एक उबाल आने तक हम कड़ी पत्ता इसी के अंदर ऐड कर लेंगे, इसे बाद में निकाल लेंगे, इसे तोड़ के नहीं डालेंगे। बस नमक चख लेना है। अब इसे मैं और तड़का लगाऊंगी, एक उबाल आने तक इसे रहने देना है। ये हरा धनिया ऐड करें थोड़ा, इसे हम बारीक चॉप करके डालेंगे, इसकी खुशबू से और मज़ा आता, टेस्ट बढ़ता। अगर आपको मेरा दाल चाय अच्छा लगा तो, मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आप भी ट्राई कीजिए, बनाइए और मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। एक उबाल आ गया, इसे हम नीचे उतार लेते हैं। इसका इसी के अंदर मैं तेल ऐड करूंगी 2 चम्मच। अब ये तेल हमने डाल दिए, अब इसी 2 दालचीनी के टुकड़े डालेंगे हम, वो ऐड कर देंगे, और एक तेज़पत्ता ऐड करना है, जीरा वीरा नहीं, इसके ज़ीरा हम इसमें नहीं डालेंगे, हमने शाहजीरा ज़ीरा लौंग इलायची का गरम मसाला डाले। अब इसी के अंदर हम डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्च। देखिए हम दालचीनी को तड़का लगा रहे, इसे ज़रा ढक लेंगे। देखिए अब हम सर्व करेंगे इसे, और इसके पत्ते अब निकाल लेना है, कड़ी पत्ते डाले थे ना, ये हम इसे निकाल लेंगे। अब इसकी महक काफ़ी है, अब इसे निकाल के अलग से हम रख लेंगे। बस चले, हमारा दाल चा तैयार है, रेडी है। अब पराठे से, चावल से, बघारे राइस से, कैसे भी आप सर्व कर सकते, और बहुत अच्छा हैदराबादी दाल चा है, एकदम मस्त ज़बरदस्त टेस्ट, माशाल्लाह बहुत अच्छा दाल चा बना। आप भी मेरी रेसिपी देखिए, ऐसे ही बनाइए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, नए रेसिपी के साथ में। अल्लाह हाफिज़।